बनाने वाली हरी मटर की चाट। आइए तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालते हैं। यहाँ पर हमने जीरा पाउडर लिया है, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, काला नमक, अदरक, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर, उबले हुए आलू, हरी मटर जिसको हमने उबाल के रखा है, और ये ऑयल। आइए तो हम बनाना शुरू करते हैं। हम गैस ऑन कर चुके हैं, गैस पे कढ़ाई भी रख चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, गर्म होने का वेट करेंगे। और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जीरे डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक और प्याज। और हमें इसे अब हमारी प्याजों को गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें हमारे मसाले डाल देते हैं, काला नमक, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अब हम इसे मिक्स करेंगे। टमाटर भुन गए हैं, अब हम इसमें हमारे आलू और बॉईल की हुई हरी मटर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और हमारे आलू और मटर मिक्स हो चुके हैं, अब हम इन्हें 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम इनमें पानी डाल देंगे। हरी मटर की चाट मुझे बहुत पसंद है, और ये चाट हमारे घर में सभी को पसंद है, और ये बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 1 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लेंगे, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। और अभी हमारी चाट की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। और ये हमने हमारी चाट की सब्जी सर्विंग बोल में निकाल चुके हैं, ओवन की प्लेटिंग कर लेंगे। ये हमने पपड़ी बना के रखी थी, हम इसमें वो डाल लेंगे। प्याज जो हमने काट के रखी थी, और अब हम इसमें हमारी इमली की चटनी डाल लेंगे। अब हम इसमें हमारे सेव डाल देंगे,
ग्रीन चटनी, और हमने जो दही फेंट के रखा है हम इसमें वो डाल देंगे। अब हम इसमें हमारे भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, और चाट मसाला। और ये हमारी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी चाट की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।